फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो जब आप हिस्ट्री को देखते हो, अभी तक आपने एट्थ क्लास तक जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। आपने पढ़ा इंडिया में कैसे बिल्कुल स्टार्टिंग ह्यूमन वाली मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन से लेके सेवन्थ में जब आपने किंग्स के बारे में पढ़ा, चोल चेन ये सब, ठीक है। एट्थ में आपने इंडियन रेवोल्यूशन पढ़ा, कैसे हमने क्या क्या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा, कैसे हम आगे बढ़े ब्रिटिशर्स रूल, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी टाइम पे क्या चल रहा था पूरी दुनिया में, भी कुछ ना कुछ चल रहा था, तो उस दुनिया के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपका पहला सेक्शन है जिसमें आपके तीन चैप्टर्स आते हैं, वो है इवेंट्स एंड प्रोसेस, जो आपको बताता है कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए और कैसे कैसे फिर आगे प्रोसीजर बढ़ता गया। जैसे आज हम बात करते हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, कि हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर क्या है कोई फोर्स नहीं है, हम सब समान हैं, ये सारी, ये आई कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब जो था ये सारे चेंजेस आए थे कि जो सोसाइटी के प्रिविलेज पर्सन थे, यानी कि जिन्हें पहले से कुछ ज़्यादा फ़ायदे वगैरह दिए रखे थे, वो कैसे ख़त्म हुए, कैसे लोगों ने राइट्स ऑफ मैन यानी कि एक आदमी का आदमी होने के नाते अधिकार होता है, ये सारी चीज़ें क्या हुई, आगे बढ़ी, ठीक है। किस तरह से ये चीज़ें बढ़ी, ये हम चैप्टर वन में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप चैप्टर टू में पढ़ेंगे यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, आप सोशलिज्म होता क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ोगे। कैसे सोवियत गवर्नमेंट जो होती है वो चीज़ें मतलब स्टार्ट करती है, जो रशिया है वो किस आइडियोलॉजी पे काम करता है, जिसे आप रूस कहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर टू में, आपको डीपली उसी चैप्टर में बताया जाएगा। चैप्टर थ्री में आप पढ़ोगे, आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा ना, कि बहुत हिटलरगिरी दिखा रही है या हिटलरगिरी, तो ये जो हिटलर थे ये कहाँ का शासक था, ये जर्मनी का था, कैसे उसने नाज़िज़्म की पॉलिटिक्स थी उसकी, और कैसे वो लोगों को मार देता था, मतलब इस तरह से जितनी भी हिटलरगिरी थी उसकी, ठीक है, जिसे हम वॉयलेंस कहते हैं, यानी कि वो ज़्यादा डर बना के रखता था लोगों में डेथ का और ये सब। तो ये पूरी स्टोरी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर, और क्या क्या इन्होंने हमें सिखाया, क्या क्या बदलाव लाए। तो हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो डायरेक्ट आपको ये बता रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 एक ऐसी डेट थी जब जो पेरिस सिटी है, पेरिस का फ्रेंच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा पेरिस का, ठीक है। तो पेरिस सिटी है, वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से 7,000 आदमी औरत यहाँ इकट्ठे होने लगे। कहाँ पे, पेरिस क्या है कि जब पेरिस, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि यहाँ पे बहुत ही अलार्म की सिचुएशन आ गई थी। ऐसा हुआ कि किंग्स ने ये कमांड कर दिया कि ट्रूप्स को शहर के अंदर भेज दो लोगों का दमन करने के लिए, और ये अफवाहें फैल गई कि राजा ने आर्मी को इसलिए मतलब राजा ने आर्मी को ये ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी सिटीजन मिले आप उन पर खुलेआम फायर कर सकते हो। तो इस अफवाह के चलते क्या हुआ कि लगभग 7,000 आदमी औरत क्या एक साथ इकट्ठे हुए, फिर वो कहाँ चले गए, ये इकट्ठे होते होते मार्च करते हुए पेरिस से निकल के कहाँ पहुँच गए, बेस्टाइल में। और बेस्टाइल में क्या था, बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन था। फोर्ट्रेस प्रिजन क्या होता है, एक ऐसी जेल थी जो कि किले की शेप में थी, यानी कि किले बंदी वाली जेल थी, ठीक है। वैसे इस जेल में ज़्यादा लोग थे नहीं, ज़्यादा प्रिजनर थे नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, अपना गुस्सा दिखाते हुए वहाँ गए, वहाँ इन्होंने मोर्चा बोल दिया, और वहाँ के उन्हें लगा था कि वहाँ पे जो लोग हैं उन पर फायर करेंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो गए, इन्होंने धावा बोल दिया, वहाँ के जो कमांडर था उसे मार दिया, ठीक है। वहाँ के जो जेल में जो कैदी थे उन्हें छुड़वा लिया। अब देखो आप सोच रहे हो कि जेल के कैदियों को छुड़वा लिया, मतलब क्या, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा क्रूल हो चुका था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट हो चुका था, और उसने क्या किया था, प्रिजनर लोग जो भी उसके खिलाफ बोलते थे प्रिजन में डालना शुरू कर दिया था। तो ये जो प्रिजनर थे वो ये नहीं थे कि उन्होंने कुछ गलत काम किया था, लेकिन राजा के खिलाफ किया था, इसलिए। तो इन सारे लोगों ने जो बाद में ये जो मार्च निकला पेरिस से लेके और कहाँ तक, पेरिस शहर से स्टार्ट हुआ था और फिर कहाँ पहुँचा, ये बेस्टाइल में जाके, और इसने वहाँ के जो पूरा फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट कहने सॉरी फोर्ट्रेस जो प्रिजन था, जो किलेबंद जिला था बेस्टाइल का, उसे तोड़ दिया, ठीक है। वहाँ के कमांडर को मार दिया, फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर इस रिवॉल्ट के बाद, इस क्रांति के बाद, इस वाले जनसंहार के बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे दंगे एक साथ शुरू हो गए, लोगों ने बहुत सारे आंदोलन करना शुरू कर दिया। लोग इस पे प्रोटेस्ट करने लगे कि वहाँ की रोटी में, रोटी के प्राइस, यानी कि जो ब्रेड वो खाते थे, वहाँ के लोग जो ब्रेड खाते थे वहाँ की, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हर किसी को, यहाँ पे जो राजा होता था, राजा बहुत ज़्यादा क्रूल काम करता था। बाद में एंड कैसे हुआ, इन लोगों ने राजा को ही बाद में फांसी दे दी थी, और बाद में यहाँ का राजा ही मारा गया था, और बाद में
ये क्या हुआ, फ्रांस स्वतंत्र हुआ, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, अचानक से एक रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं, फिर ये खुद राजा को ही फांसी दे देते हैं, ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इस फोटो में क्या है, स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल। बेस्टाइल में जैसे जब लोग घुस गए थे और उन्होंने जब तोड़ना शुरू करा, ठीक है, ये तब की फोटो, ये मतलब आर्टिस्ट ने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो अब देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में, मतलब 1774 के आसपास की बात हो रही है, कि आखिर फ्रेंच का समाज था कैसा, मतलब स्टार्टिंग से हम देखना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई क्यों। 1774 में क्या हुआ, लुई सोलवा जिसे हम कहते हैं, वो बर्बन फैमिली के थे और वो राजा बन गए जब वो 20 ईयर्स के थे सिर्फ। ठीक है, कितने ईयर्स के थे, सिर्फ 20 ईयर्स के थे। इन्होंने किससे शादी कर ली, इन्होंने ऑस्ट्रियन एक लड़की से शादी कर ली, जो जिसका नाम था प्रिंसेस मारी एंटोनियो। ठीक है इन्होंने इससे शादी कर ली। इसके बाद क्या था कि जब ये शादी, मतलब जब ये राजा बन गए, उसके बाद इन्होंने फेस किया और इनके सामने क्या हुआ कि रिसोर्सेज होते ना फ्रांस के, वो बहुत कम हो चुके थे। क्यों हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस को बहुत सारे युद्धों में इन्वॉल्व होना पड़ा था। कौन से युद्ध में, जो अमेरिकन कॉलोनीज बना ली थी ना ब्रिटेन ने कुछ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बना ली थी। ठीक है, ब्रिटेन का है जो ऊपर उसका, आप देखोगे ना यूरोप का मैप तो साइड में इंग्लैंड और ब्रिटेन, जो आपने इंग्लैंड नाम सुना होगा वो ब्रिटेन का एरिया का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने अमेरिका के लोगों को बंदी बना लिया था। आपको ये भी, आप शायद बाद में पढ़ोगे डीपली, कि अमेरिका के लोग जो थे वो पहले जंगली थे और ऐसे ही जंगलों में रहते थे, आदिवासी टाइप थे। जब ब्रिटेन के लोग गए वहाँ, तब उन्हें थोड़ा समझ में आया कि समाज कैसा चलता है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अमेरिका में कॉलोनीज बना ली थी, जैसे ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया था ऐसे ही। तो फ्रेंच ने मदद करी थी, फ्रांस के लोगों ने मदद की थी वहाँ की कॉलोनी से हटने के लिए। तो इस वॉर के तहत बहुत सारा उनके ऊपर कर्ज आ चुका था, बहुत सारे पैसे इनके पास आ चुके थे, मतलब पैसे का कर्ज उन्हें चुकाना था। ठीक है, इसके अलावा पहले से ही 2 बिलियन का तो इनके पास, 2 बिलियन लीवर का तो कर्ज था ही। लीवर्स क्या है, लीवर्स यहाँ की खुद की करेंसी है। ठीक है, फ्रांस की करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, जो कि 1794 में बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो लेकिन इस टाइम थी, तो पहले ही 2 बिलियन लीवर्स का इनके पास कर्ज था, ऊपर से 1 बिलियन का और आ गया। ठीक है, तो इसे अब चुकाने के लिए, अब राजा को तो ये सब देखना ही था, कहीं से तो चुकाना ही था। तो इसने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, जो स्टेट का क्रेडिट था अब उस पर परसेंटेज इंटरेस्ट की बढ़ा दी, यानी कि जो बैंक हमें लोन देते हैं ना, ऐसे ही जब सरकार जो स्टेट लोन देती थी उन लोगों को, अब उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 10% कर दिया। यानी कि अगर कोई इनसे 100 रुपये किराए पर लेगा, 100 रुपये का कर्ज लेगा, तो ये चुकाना उसे कितना पड़ेगा, 110 रुपये। तो ऐसे 10% का उन्होंने क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स था। ठीक है, अब हम यहाँ की अगर सोसाइटी को देखेंगे तो यहाँ की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड थी, 3 पार्ट्स में आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। हम देखते हैं कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला एक क्लर्गी, जिसे आप पादरी कहते हो, यानी कि चर्च वगैरह, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी का पार्ट माना जाता था, इनकी ज़्यादातर लोग मानते थे। फिर नोबेलिटी, यानी कि राजा महाराजा जो मतलब शासन करते थे, वो सेकंड एस्टेट में होते थे, और थर्ड एस्टेट में बाकी लोग होते थे, बाकी लोग जो भी नॉर्मल, जो ना राजा महाराजा है ना ही पंडित या मतलब उस टाइम के पादरी, क्योंकि चर्च होते तो इनके क्लर्गी होते थे, पंडित नहीं कहेंगे, पादरी कहेंगे। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट में कौन होते थे, थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ लोग गरीब होते थे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, कोर्ट के ऑफिशियल लॉयर वगैरह, ये सारे भी थर्ड स्टेट में आते थे। जो पीजेंट और आर्टिसंस हैं, यानी कि जो किसान हैं और जो लोग मतलब पोर्ट वगैरह बनाते हैं, वो भी थर्ड एस्टेट में आते थे। और जो लैंडलेस लेबर है, यानी कि जो नौकर का काम करते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं है, वो भी थर्ड एस्टेट में आते थे। यानी फर्स्ट एस्टेट में कौन आया, क्लर्गी, दूसरे में आया नोबेलिटी, यानी कि नोबेलिटी राजा महाराजा, क्लर्गी मतलब पादरी, और ये बाकी बचे कुछ लोग सब थर्ड एस्टेट में होते थे। लेकिन थर्ड एस्टेट की इम्पॉर्टेंस बहुत कम थी, लाइक इन्हें बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, इनके ऊपर रूल किया जाता था। ठीक है, उसमें कुछ एजुकेटेड थे, जो आपने ऊपर वाला तबका देखा है थर्ड एस्टेट में भी, ऊपर वाला तबका था जो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, कमाता था अच्छा खासा। ठीक है, और नीचे गरीब लोग थे, ठीक है, जिनके पास लैंडलेस लेबर भी थी, यानी कि बिना लैंड के उन्हें लेबर करना पड़ता था ये लोग। अब यहाँ हुआ कैसे, यहाँ जो मिडल एज में देखेंगे, जो टर्म है ओल्ड रिजाइम, जहाँ हम ओल्ड रिजाइम की बात करेंगे, वहाँ हम बात करने वाले 1789 से पहले का फ्रांस। ठीक है, जहाँ पे भी ओल्ड रिजाइम वर्ड यूज़ हो जाएगा, यानी कि हम 1789 से पहले की बात कर रहे हैं, और आपने देखा है लुई सोल्वा 1774 में बनाया, यानी कि लगभग उसी टाइम की हम बात करने वाले हैं। तो इससे क्या होता था, जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान थे, वो लगभग 90% थे पॉपुलेशन का, जनता का 90% कौन थे, पीजेंट्स थे। ठीक है, वो अपने लैंड को कल्टिवेट करते थे। ठीक, उसके अलावा लेकिन बात ये थी, हर किसी के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, वो किसान तो थे लेकिन खुद की ज़मीन नहीं थी। क्यों, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स एंड द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द एस्टेट, यानी कि लगभग 60% जो ज़मीन थी वो किसके पास थी, या तो पादरियों के पास थी, या फिर राजाओं के पास थी, या फिर
चर्च के लोग या फिर अमीर लोग, इनके पास थी। और बाकी लोग कैसे काम करते थे, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, खेतों में जाते काम करते हैं, वेजेस पाते हैं ऐसे। ठीक है, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग होते थे दो, जो क्लर्गी और नोबेल्टी, जो पहले स्टार्टिंग के दो एस्टेट हैं ये और ये, फर्स्ट और सेकेंड वाले। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे उनके जन्म से ही उन्हें क्या था, बहुत ज़्यादा क्या मिले थे, हक मिले थे। सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये था कि इन्हें कोई टैक्स चुकाना नहीं पड़ता था। और साथ के साथ जो नोबल्स थे उन्हें कुछ और प्रिविलेजेस भी थे, जैसे कि वो क्या कर सकते थे, पीजेंट से सर्विसेज ले सकते थे। जो पीजेंट से जो किसान थे, जो गरीब थे, उन्हें ज़बरदस्ती अपने इन्हें लॉर्ड्स को, इन्हें लॉर्ड कहा जाता था, नोबल्स को क्या करना पड़ता था, अपनी सर्विसेज देनी पड़ती थी, यानी कि इन्हें जन्म से ही ऐसा करना पड़ता था। और जो चर्च है वो भी इनसे टैक्स ले सकता था, जिसे हम टिथ कहते हैं, टिथ इनका कर्ज है। ठीक है, जो टिथ्स है ये क्या है, एक टैक्स है जो कि चर्च लेता था। ठीक है, जो जिसमें आता था एग्रीकल्चर का 1/10, यानी कि अगर 100 किलो उन्होंने उगाया है तो 10 किलो इन्हें चर्च को देना पड़ेगा। तो ये राइट था चर्च के लोगों के पास कि वो इतना कर्जा उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें टैक्स स्टेट को भी देना पड़ता था, कभी डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, जिसे हम टैली कहते हैं, ठीक है, टैली। और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे सॉल्ट में, तंबाकू में, अब देखो सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट और प्रीसियस पार्ट है खाने का, उन्हें इस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तंबाकू जैसे फसल पे भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट को देनी पड़ती थी, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वही टैक्स देते थे। चर्च भी टैक्स लेता था और नोबल लोग भी टैक्स लेते थे, और दोनों में से किसी को भी टैक्स देना नहीं होता था। और सारा टैक्स किसे देना होता था, नॉर्मल नीचे थर्ड एस्टेट वाले लोगों को देना होता था। देखो अब जैसे इस फोटो में देखो क्या बनाने की कोशिश की है आर्टिशन ने, ये बनाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स, जितना इस डेविल राक्षस के पास है उतना ही वो और चाहता है। यानी कि जो जितना अमीर वाला होगा ना लेवल पे, जो जितने बड़े पद पे होगा, उसे उतना ही ज़्यादा टैक्स सही होता है। ठीक है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसमें लिखा गया, यहाँ पे ये जो लिख रहा है फोटो में, इसका मतलब यहाँ पे ये लिख रहा है कि द नॉर्मल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट इज द फ्लाई। यानी कि ये नोबल मैन जो होते थे एक स्पाइडर की तरह होते थे, और ये फ्लाई मक्खी की तरह होते थे। लाइक जैसे स्पाइडर के जाले में मक्खी जाके फंस जाती है ना, फिर चाहे वो कितना ही ट्राई कर ले बाहर नहीं निकल सकती। तो सेम इनके साथ झंझट होती थी कि ये कभी भी इनके फंदे से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक, और यहाँ पे देखो ऊपर ये जो मार्क कर रहा है, ऊपर ये लिख रहा है कि जो पुअर है उसे बेचारे को ग्रेन लाने पड़ते हैं, फ्रूट, मनी, सैलड, ये सब लाना पड़ रहा है। ठीक है, और जो फैट लोड है, जो मोटा लोड है, जो कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ले रहा है, वो सीट पे बैठा है। ठीक है, उसे केयर भी नहीं है कि कोई आया है मेरे को कुछ देने के लिए, वो ऊपर उठ के देखेगा भी नहीं। ठीक है, बस आओ रख के चले जाओ, इतना सा एक मतलब ध्यान से लुक भी नहीं देता, मतलब इतना ज़्यादा क्रूर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें कुछ समझते ही नहीं है ये लोग। तो ये दिखाया गया कि थर्ड एस्टेट को कितना झेलना पड़ रहा था, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ गया। 1715 में क्या था, फ्रांस की पॉपुलेशन थी सिर्फ 23 मिलियन, लेकिन 1789 तक बढ़ते बढ़ते कितनी होगी वो 28 मिलियन। ठीक है, अब ये जैसे ही क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ना है ही ऑफकोर्स। पहले अगर 5 जने थे एक फैमिली में, 5 किलो आना आ जाता था, 6 जने हो जाएंगे तो और डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्राइस राइज होने लगे, क्योंकि खाने के लिए इतना था नहीं, क्योंकि यहाँ की फसल वगैरह भी खराब हो गई थी तो खाने के लिए इतना नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रोज़ अब मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो थे वो लेबर की तरह काम करते थे वर्कशॉप में। ठीक है, उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स नहीं थी, यानी कि वो एज अ नौकर काम करते थे, एज अ मजदूर काम करते थे, उनकी लेबर तो फिक्स थी, यानी कि उन्हें वेजेस तो 5 रुपये, अगर मान लो उन्हें 50 रुपये मिलने हैं तो 85 रुपये मिलने हैं, और इनकी भाषा में कहें तो रुपये की जगह लीवर, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो लीवर में है। ठीक है, तो इन्हें तो सिर्फ इतने ही रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, मान लो अगर वीट का प्राइस है वो 500 रुपये किलो हो गया, फॉर एग्जांपल ले लूँ सिर्फ। ठीक है, तो 500 रुपये किलो हो गया और इनकी जो इनकम है वो 450 ही है, तो महंगाई बढ़ने के साथ इनकी सैलरी बढ़ती नहीं थी, इतनी ही रहती थी। अब बताओ ये कैसे गुजारा करेंगे अपना। ठीक है, तो इनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, तो इसीलिए जो गरीब लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था अपने आप को जीने के लिए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जब बेसिक लिविंग के लिए भी, बेसिक जीने के लिए भी जब लोगों को क्या करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, तब उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और ये फ्रांस में उत्पन्न हो गया था 1715 के से लेके 1789 के बीच में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, महंगाई हो रही थी, महंगाई की वजह से वेजेस तो बढ़ने रहे थे, लाइक कमा तो इतना रहे नहीं है लेकिन प्राइस बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या एक खर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है। देखो अब आप इस फोटो के जरिए समझोगे कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टेबल है जो कि आपके जो बुक है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, आपको नीचे बॉक्स दे रखा है, आपको उसमें वर्ड्स भरने, मैंने फिल कर रखे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो
यहाँ की इनकी फसल खराब हुई, हमने देखा ना बैड हार्वेस्ट या फ्लड वगैरह आ गई थी या ड्रॉट पड़ गई थी, तो इस वजह से क्या होता है बैड हार्वेस्ट होती है, यानी कि किसानों की जो खेती होती है वो अच्छी नहीं हुई। ठीक है, खेती अच्छी नहीं हुई तो स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, खाना भी उनके पास कम ही होगा, खाना कम होगा तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस जैसे ही बढ़े जो पुअरेस्ट लोग हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें वो नहीं अटेन कर पाएंगे, तो क्या होगा उनकी बॉडीज वीक हो जाएगी, जैसे ही बॉडी वीक हुई तो डिजीज़ बढ़ेंगी और डिजीज़ बढ़ेंगी तो लोगों की जो डेथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी रेट। इसके अलावा अगर डिजीज़ नहीं, वो अगर उनकी बॉडी वीक नहीं हुई तो खाने पे दंगे होंगे, भाई खाने के लिए तो सबको चाहिए ना, तो यहाँ पे खाने के लिए दंगे होंगे, खाने के लिए दंगे हुए तो दंगों में भी लोगों की मौत होगी। तो ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है यानी कि उनके जीवन के भी लाले पड़ जाए, वो जी भी नहीं सकते तमीज़ में अच्छे से अपनी लाइफ, तो ये क्या होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अगेन देखो, बैड हार्वेस्ट है यानी कि फसल ख़राब हुई, ग्रेन कम हुआ, प्राइस ज़्यादा हो गए, लोग खरीद नहीं सकते, तो या तो कमज़ोर हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी और मर जाएंगे, या फिर दंगे हो जाएंगे उससे मर जाएंगे, तो अल्टीमेटली मरना ही है। उनका जो जीवन है वो पूरा वेस्ट हो चुका है एक तरह से, अब वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, किसकी वजह से, सिर्फ एक फसल अच्छी ना होने की वजह से और राजा का उस पर ध्यान ना देने की वजह से। अब देखो आगे क्या, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जैसे ही मिडिल क्लास ग्रो हुई, बढ़ी, उससे क्या हुआ, जो बड़े लोग थे जिन्हें जो स्टार्ट ऊपर के दो प्रिविलेज क्लास थी उन्हें अपना प्रिविलेज छोड़ना पड़ा। ये अब कैसे हुआ आप देखो, पास्ट में जो पीजेंट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था ऑलरेडी रिवॉल्ट्स में, हमने देख लिया जब उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए, जब फूड की कमी हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनके पास मीन्स तो थे नहीं, रिसोर्सेज। अब देखो उन्होंने दंगे तो कर दिए, आंदोलन करे, बट उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ प्लान्ड चीज़ें नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा देखें तो थर्ड एस्टेट में ऐसे भी लोग थे जो कुछ पढ़े लिखे थे, जो कुछ ज़्यादा समृद्ध थे, आपने देखा ना ऊपर बिजनेसमैन मर्चेंट्स ये लोग भी थे, ठीक है। तो ये जो थर्ड एस्टेट के ये वाले लोग थे ना, जो थोड़े प्रॉस्पेरस थे, थोड़े अमीर थे, थोड़े ठीक ठाक थे, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने दंगे वाली बात एक तरह से आंदोलन वाली बात शुरू करी कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करने वाले हैं। अब देखो लोगों ने फिर क्या बना लिए, इससे क्या हुआ, सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस शुरू हुआ। सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस मतलब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि सोसाइटी को ये चेंजेस के लिए काम करते हैं, ठीक है, वही जिन्हें हम आज मिडिल क्लास कह रहे हैं उस टाइम के सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे, जो कि कैसे क्या 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 काम करते थे, वो बहुत सारे गुड्स बनाते थे, जैसे वुलन की टेक्सटाइल, सिल्क की टेक्सटाइल, सारे काम यही करते थे, और इस सोसाइटी में अमीर लोग भी थे। थर्ड एस्टेट की बात करें तो थर्ड एस्टेट में कौन कौन इंक्लूड था, उसमें रिच मेंबर्स थे सोसाइटी के, ठीक है, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर थे, इंडस्ट्रियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे, यानी कि लॉयर वगैरह भी तो इसमें ही आते थे, जो कि एजुकेटेड भी थे और बिलीव करते थे कि किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट को प्रिविलेजेस जन्म से तो नहीं मिलने चाहिए, बल्कि किससे मिलने चाहिए, मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। मेरिट बेस मतलब जो जिस काबिल है उस काबिलियत के आधार पर तुम उन्हें प्रिविलेजेस दे सकते हो, लेकिन जन्म से तुम उन्हें कोई वो प्रिविलेज नहीं दे सकते। अब सोसाइटी की अब ये किस आइडियाज पे बात करने के लिए लगे कि सोसाइटी में फ्रीडम होना चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और सबके साथ समान कानून होना चाहिए, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और ऐसे आइडियाज किस किस ने दिए, एक फिलोसोफर थे जॉन लॉक ही, ये जॉन लॉक के बारे में आप ना बहुत डीपली पढ़ोगे आगे जाके, तो जॉन लॉक का ये आइडिया था एंड जीन जैक्वेस रूसो, तो रूसो और लॉक ही बहुत महान फिलोसोफर्स थे जिन्होंने किसकी फ्रीडम की और इक्वल लॉज की बात करी थी, इनकी बात करी थी। जैसे लॉक ही ने अपनी राइटिंग में द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के टू ट्रीटीज, इसमें किस सिद्धांत की बात करी कि कोई भी डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं है मोनार्क का, यानी कि राजा का, राजशाही शासन का, जो ये कहते थे ना कि भगवान की देन है, भगवान ने उन्हें शासन का अधिकार दिया है, इन्होंने इस चीज़ को काटा कि भाई ऐसा कोई अधिकार नहीं है, भगवान ने आपको नहीं दिया है। रूसो ने अपना आइडिया किसमें आगे बढ़ाया, किसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो जितने भी बेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा कि सभी पीपल का रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। इसके अलावा एक मॉन्टेस्क्यू करके फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा क्या कहा कि जो डिवीजन है पावर का वो तीन उसमें होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। जैसे हम आज देखते हैं हमारे इंडिया में ये तो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटा हुआ है, लेकिन उस टाइम पर नहीं था फ्रांस के यहाँ पे, और हम जानते हैं हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से अडॉप्ट करी गई है, तो ये आइडिया भी हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इनका आइडिया था कि अच्छा ये होना चाहिए। आप बाद में देखते हो कि यूएसए की जो मॉडल है गवर्नमेंट का, जो सरकार का मॉडल है, यूएसए का भी ऐसा ही है, जो इन तीनों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है इंडिविजुअल के राइट्स की, वो भी कहां से लिए गए हैं, फ्रांस के ही इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज से लिए गए हैं। फ्रांस में फिलोसफर्स बहुत हुए हैं, इनके सोचने वाले, जो थिंकिंग है उसे चेंज करने वाले बहुत लोग हुए हैं, क्योंकि रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम होता था वहाँ पे, और एजुकेशन आप जानते हो, एजुकेशन तो
वहाँ पे बड़े लोगों के पास एटलीस्ट थी, रिचर सेक्शन के पास थी। जो आइडियाज़ हैं ये फिलोसोफर्स का वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगा, बहुत फेमस हो गया, यानी कॉफ़ी शॉप्स में ये सब बहुत फैलने लगा। जैसे आप जानते हो ना कि कुछ भी काम होता है देश में हमारे यहाँ, तो चाय की टपरी पर लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, कुछ भी सुबह सुबह आए वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही आइडियाज़ भी बहुत कॉमन हो गए क्योंकि वो बुक्स में न्यूज़पेपर में छपने लगे। तो धीरे 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 क्या हुआ कि लोग इनके बारे में डिस्कस करने लगे और ये चीज़ें वेल प्लान्ड होने लगी। ठीक है, अब क्या है, अब भी जो लुई 16 था वो प्लान कर रहा था किसके लिए, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसे बढ़ाने, मतलब उसे इकट्ठा करने के लिए। अब उसके खर्चे तो हो रहे थे लेकिन उसे क्या चाहिए थी, कमाई चाहिए थी। तो इसने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, एंगर जनरेट हो गया। ठीक है, और जो प्रोटेस्ट था प्रिविलेज लोगों के खिलाफ वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, यानी कि तब तक तो लोगों ने कुछ नहीं कहा जब वो टैक्स दे रहे थे, ठीक है, लेकिन जब टैक्स बहुत ही बढ़ गया भाई, अति हो गई, तो अति तो कभी ना कभी ख़त्म होनी है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें खत्म होनी शुरू हुई धीरे धीरे। अगर हम लाइव एक्सपीरियंस देखें ओल्ड रेजाइम का, तो यहाँ दे रखा है कि जो जॉर्ज डेंटन थे उन्होंने एक क्या लिखा है, वो एक एक्टिव रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आ गए थे। ठीक है, उनके फ्रेंड को उन्होंने एक लेटर लिखा था 1793 में। लेटर में वो लिखते हैं कि वो पढ़ तो लिए थे, वो रेजिडेंशियल कॉलेज में पैलेसेस में पढ़ तो लिए थे, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट मैन की कंपनी में थे, लेकिन जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तब उन्हें समझ में आया कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पढ़ते वक्त तो चलो वो सब इक्वल थे और वो पढ़ लिए थे, लेकिन क्योंकि वो थर्ड एस्टेट से थे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी क्यों नहीं बचा है, क्योंकि जो कोर्ट हैं, लो कोर्ट्स हैं, उनमें भी सिर्फ स्पेसिफाइड लोग ही जा सकते थे। जो करियर अगर वो आर्मी में बनाना चाहते हैं तो वो उनके लिए ओपन नहीं था, सिर्फ नोबल मैन के लिए ओपन था। ठीक है, उनके पास कोई पैट्रॉन भी नहीं था। पैट्रॉन कौन होता है, कुछ अमीर लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को अपने सानिध्य में रख लेते हैं, यानी कि अपने अंडर ले लेते हैं कि चलो इनका पालन पोषण मैं करूंगा। तो उसका कोई पैट्रॉन भी नहीं था। जो चर्च है, चर्च भी उन्हें कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ, मतलब ऐसा यात्रियों जैसा कुछ ऑफर नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे कुछ वो था नहीं, कोई शरणार्थी नहीं था, तो वो भी नहीं लेगी। तो वो कहता है अपने उस दोस्त से कि भाई मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जो कि मेरे टैलेंट को कहीं भी यूटिलाइज करने मुझे नहीं देगा, मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मेरी जाति के लिए या फिर मेरे एस्टेट के लोगों के लिए फिक्स है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा एक इंग्लिश मैन थे आर्थर यंग, जिन्होंने 1787 से 1789 में ट्रैवल किया था फ्रांस में, और जो देखते थे वो उस पर लिखते थे। वो उन्होंने लिखा है कि अगर कोई फ्रांस का जो स्लेव है, यानी कि जो दास है, वो अपने दासत्व को स्वीकार करता है, वो दास बन रहा है, तो उसे ये सिचुएशन भी झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है जो वो फ्री होके ले सकता था। मतलब अगर वो फ्री होता तो जितने राइट्स उसके पास होते, अधिकार होते, वो उसने त्याग दिए जब उसने किसी का दासत्व स्वीकार कर लिया। और उसे इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि किसी एक दंगे के दौरान अगर उसकी बेटी को कोई किडनैप कर लेना, उसके सन अगर उसके बेटे के गला काट दे कोई, तो उसे उस सिचुएशन के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसने स्लेवरी को खुद ही क्या कर लिया, खुद ही अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि तब तक रिवॉल्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ये चीज़ें चेंज हुई धीरे धीरे। आपको पता है पैराग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी आगे चलते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, सिचुएशन क्या बनी। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया उनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, कौन लोग थे, किसके पास साइट थे, किसके पास साइट नहीं थे। अब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हो गया, तो देखो जो लुई 16 था उसे इंक्रीज, उसे टैक्स बढ़ाने था। ठीक है, टैक्स बढ़ाना था, लेकिन बात यह है कि भले ही वहाँ पे ओल्ड रिजाइम में, वो हमने देखा ना 1789 से पहले वाले टाइम में ओल्ड रिजाइम में भले ही मोनार्क हो, लेकिन जो ये टैक्स बढ़ाने वाला डिसीजन है वो अकेले नहीं ले सकता था, राजा अकेले नहीं ले सकता था। उसे किसकी मीटिंग करवानी पड़ती थी, एस्टेट्स जनरल की। और एस्टेट जनरल्स कौन लोग होते थे, क्या थे ये एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि तीनों ही एस्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता था। अब हम सोचो कि तीनों ही एस्टेट का था, मतलब ये तो फायदे वाली चीज़ है, लेकिन इतना भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखो ये मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी 1614 में, सोचो कि अब ये मीटिंग हो रही है 1789 के आसपास। ठीक है, 1789 में 5 मई को, और लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में। मतलब मीटिंग की कोई महत्व ही नहीं था उस एस्टेट जनरल की। जो मीटिंग होती थी बहुत कम मीटिंग होती थी और टैक्स भी बहुत कम केसेस में बढ़ाए जाते थे, लेकिन 1789 में अभी मीटिंग करवाई इतने टाइम बाद, यानी कि राजा ही शासन करता था, नाम की थी बस ये। लेकिन अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको पता चलेगी कि 5 मई 1789 में क्या हुआ, लुई 16 ने बुलाई अपनी पूरी एस्टेट जनरल की मीटिंग को। ठीक है, लेकिन ये बात होती थी कि एस्टेट जनरल की जो मीटिंग में तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनका अधिकार तो था, लेकिन मीटिंग बुलानी कब है ये सिर्फ राजा के हाथ में होता था। राजा बहुत कम केसेस में बुलाता था, भाई क्यों अपनी पावर बांटना चाहेगा। तो देखो क्या होता था, जो क्लर्की वाले लोग होते थे वो, और कौन होते थे, जो नोबल होते थे वो तो आमने सामने बैठे हुए होते थे, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो पीछे खड़े होते थे और राजा तो यहाँ बैठे गए। ठीक है, तो उनका ऐसा था, ये लोग तो बेचारे खड़े हैं थर्ड एस्टेट के लोग, और ये क्या है, ये बैठे हुए हैं।
ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेटिव कितने थे, इनके तो 300 और इसके भी 300, ठीक है, और क्योंकि ये बड़ा तबका था तो इसके 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। अब आप सोचोगे कि जब इसके 600 रिप्रेजेंटेटिव है मतलब इसके ही मत में सारे डिसीजन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा होता था कि जो क्लर्की मैन है उनकी तरफ से कोई एक ही वोट आएगा, जो भी आएगा इनकी तरफ से, नोबल की तरफ से कोई एक ही वोट आएगा और इन 600 की तरफ से कोई एक ही वोट आएगा। अब आप ये बताओ किसी भी डिसीजन में अगर तुम्हें वोट करना है और एक ग्रुप का सिर्फ एक ही वोट है तो फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि कितने भी नंबर रिप्रेजेंटेटिव्स हो वहाँ पे। अब देखो आपने देख लिया फर्स्ट और सेकंड में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और जिन्हें पीछे खड़ा होना पड़ता था वो थर्ड स्टेट के लोग होते थे 600, ठीक है, और एजुकेटेड मेंबर भी थे थर्ड स्टेट के और प्रॉस्पेरस लोग ही आते थे। किसानों को इसके एस्टेट जनरल की मीटिंग में आना अलाउ नहीं था, किसान वगैरह थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, पढ़े लिखे लोग ही थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लेकिन उनकी आवाज़ किसके सहारे आती थी, जो ये पढ़े लिखे लोग उन गरीब लोगों के 40,000 लेटर अपने हाथों में लेके आते थे ना, उसमें आवाज़ होती थी उन किसानों की, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि अभी तक जो वोटिंग का प्रोसेस होता था वो यही होता था कि जो एस्टेट जनरल है के तीनों ग्रुप एक एक वोट करेंगे किसी भी मत के लिए, अगर मान लो टैक्स बढ़ाना है या कितना बढ़ाना है तो तीनों की तरफ से एक एक मत आ जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू एक एक ही होगी। लेकिन बाद में थर्ड स्टेट वाले लोगों ने कहा कि भाई हर इंडिविजुअल का एक एक मत रखो, यानी कि पूरी सोसाइटी पूरे इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को एक ग्रुप मानो, तीन ग्रुप मत मानो और सबको इंडिविजुअली एक एक अधिकार दो कि सब इंडिविजुअली एक एक वोट डालेंगे एक एक इंसान। लेकिन ये बात क्या हुई, राजा ने नहीं मानी, राजा को स्वीकार नहीं थी, तो फिर एस्टेट जनरल वाले लोगों ने क्या कहा, वो वॉकआउट कर गए। क्या कर दिया उन्होंने, वॉकड आउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एस्टेट, उन्होंने क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया, यानी कि वो उससे आगे निकल गए, यानी कि उन्होंने उसका तोहीन कर दी कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है। अब ये जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कौन, रूसो लिखते हैं, वो भी इसी बात की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यही कहता है कि एक मेंबर का एक ही वोट होगा। देखो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर लाइक रूसो इन द बुक ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक इंसान का एक ही वोट होगा और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। लेकिन राजा ने से मना कर दिया तो वो वॉकआउट कर गए। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो यहाँ से तो निकल गए, फिर वो कहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने स्पोक्समैन रखे और ये सारे जो फ्रांस के जो पूरा नेशन था वहाँ के लोग थे सारे, तो ये 20 जून को इकट्ठा हुए एक टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में, कहाँ पे, वर्सलीज में। वर्सलीज कहाँ है, एक शहर है आप देखोगे तो, ठीक है, फ्रांस में, ठीक है, उसके इंडोर टेनिस कोर्ट में ये 20 जून को इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हमें यहाँ की नेशनल असेंबली, और इन्होंने वचन लिया कि जब तक हम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फ्रेम नहीं करते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये संविधान ने क्यों फ्रेम करना था, उन्हें राजा की जो पावर थी उन्हें लिमिट में लाना था। ये जो इनका क्या था, इनका जो पॉलिटिकल ये पूरा सिनेरियो था कि जब ये आंदोलन था इनका, उसे लीड कौन कर रहा था, मिराबू एंड एबिसीज। अब ये लोग कौन थे, मिराबू एक नोबल फैमिली में जन्मा था, मतलब जन्मा तो साम्राज्य वाले ही, राजा महाराजाओं वाले उसमें ही था, लेकिन वो समझता था कि सोसाइटी के किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को सिर्फ इस बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए कि उसका जन्म उसमें हुआ है। वो बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस देता था, ठीक है, क्राउड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था वेरसीज में, असेंबलीज में, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन, किसके बारे में आपने बात करी, मिराबू के बारे में, कि वो नोबल परिवार में ही जन्मा था, ठीक है। जो एबीसीज था वो क्या था, ओरिजिनली वो एक प्रिस्ट था, यानी कि वो क्लर्की वाले ग्रुप से था, पादरी था, ठीक है, फादर वाले उसमें था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखता था, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट और ये सारे पर्चे वगैरह छापता था। जैसे उसने एक बहुत ही अच्छा सा लिखा है, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, इसमें उसने पूरी कहानी बताई है उनकी। तो ये जो दो लीडर थे कौन कौन से, मिराबू और एबीसीज, इन्होंने इस नेशनल असेंबली को लीड किया था और इन्होंने कहा था कि हम क्राफ्ट बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हम उस इंडोर टेनिस कोर्ट से नहीं जाएंगे। ये 20 जून की बात है, ठीक है। अब ये क्या, ये एक क्या है, स्केच है, जो कि प्रिपरेटरी स्केच है, यानी कि अभी ये स्केच पूरा नहीं बना है, तैयारी में ही है। इस स्केच को कहाँ लगाने की कोशिश करी गई थी कि जब नेशनल असेंबली अच्छे से बन जाएगी और जब वो बैठेगी ना तब हम इस पेंटिंग को लगाएंगे, ये प्लान था, ठीक है। तो जब ये पेंटिंग बनाई जा रही थी, ठीक है, इस पेंटिंग में दिखाया गया कि कैसे टेनिस कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को, राजा को, ये सारी चीज़ें मिल रही है, पावर का चेंज हो रहा है। तो ये भी फोटो आधी है, यानी कि प्रिपरेटरी स्केच है, यानी कि अभी पूरी बनी नहीं है, ठीक है। अब नेशनल असेंबली जब वेर्सलीज में इकट्ठा हो चुकी थी, वहाँ पे बिजी थी, वहीं पे जो पूरा फ्रांस था उसमें क्या हो गया था, उथल पुथल मच गई थी पूरे फ्रांस में। अब क्या हुआ था, वहीं बैड हार्वेस्ट, यानी कि खेती खराब हो गई। जैसे ही खेती खराब हुई प्राइस बढ़ने लगे तो लोग जो थे एक्सप्लॉइट होने लगी उनकी सिचुएशन, और जो उनकी सप्लाईज थी उन लोगों ने क्या करा, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या
जाकर जो पैसे ज़्यादा बढ़ गए ना, प्राइस राइज हो गए, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और जो खाने पीने का सामान था अपने पास स्टोर करके रख लिया। अपने पास स्टोर क्यों करके रख लिया? स्टोर अपने पास करके रखेंगे तो फिर मार्केट में सामान कम जाएगा, मार्केट में सामान ज़्यादा जाएगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा कमाने के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या करा, जो जितनी भी फसल थी उसे अपने पास इकट्ठा करके रख दिया और लोगों को फिर क्या लगा, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, ठीक है, अपने घंटों बिताने पड़े उस बेकरी में, ठीक है, बेकरी के बाहर की हमें भाई रोटी दे दो खाने के लिए, ब्रेड दे दो। तो जो वुमन थी वहाँ की उन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर अचानक से उन्होंने शॉप पे धावा बोल दिया, ठीक है, किंग का ऑर्डर आया कि भाई पैरिस से निकलो और फिर इन लोगों को कंट्रोल करो। वही जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि कैसे किंग ऑर्डर देता है पैरिस में आर्मी को जाने के लिए, लेकिन जो 14 जुलाई में फिर वो क्राउड क्या करती है, वो कहाँ चली जाती है, बेस्टाइल में चली जाती है, बेस्टाइल का जो वो किला था जो कि जेल था एक तरह का, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, अब देखो इस मैप में आपको अच्छे से दिखाई देगा कहाँ आपका पैरिस है। देखो ये रहा आपका पैरिस, ठीक, ये आपका पैरिस, एक सेकेंड, ये देखो ये आपका पैरिस वाला एरिया होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अभी आप बाकी चीज़ें देखोगे कि ये जो दोनों जगह हैं, ये दोनों जगह पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी, आप आगे देखोगे, ठीक है। वर्सलीज भी आपको मैप में दिखेगा। तो ये सारे क्या थे, फ्रांस के शहर थे जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो रही थी, ठीक। फिर बाकी इलाकों में क्या हुआ कि अफवाहें फैलने लगी कि राजा ने क्या किया है, राजा ने कुछ गुंडों को किराए पर लिया है, और किस लिए लिया है, जिससे वो हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसलें हैं, वो उन्हें क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ख़राब कर दे। तो इस डर की वजह से क्या हुआ कि जो किसान थे उन्होंने भी अपना क्या कर दिया, अपने कई सारे डिस्ट्रिक्ट को सीज कर दिया कि वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ठीक है। उन्होंने अपने फावड़े लिए, हथौड़े लिए और कहाँ चल दी, जो चेटॉक्स था, चेटॉक्स क्या होता है कि वो कैसल यानी कि वो स्टेट, वो एरिया जहाँ पे अमीर लोगों की अपनी बिल्डिंग्स होती थी, मैंशन होते थे, अपनी किले होते थे, हवेलियाँ होती थी, वहाँ चले गए और उन्होंने उस हवेलियों पे क्या किया, सारे के सारी चीज़ें वहाँ की ख़राब कर दी, तहस नहस कर दी उनकी हवेलियाँ, कई सारे डॉक्यूमेंट क्या कर दिए, जला दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादातर जो नोबल लोग थे, जो राजा महाराजा थे, यानी कि जो शासन करते थे, जो साम्राज्य के लीडर्स थे, ठीक है, उन्हें क्या हुआ, या तो पड़ोस वाली कंट्री में जाके भागना पड़ा या फिर उन्हें अपने घर से भागना पड़ा, कैसे भी उन्होंने अपनी जान बचाई बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। जो फ्रांस था उसने पावर देख ली थी कि भाई जो सब्जेक्ट्स जिन्होंने रिवोल्ट किया था वो फाइनली नेशनल असेंबली के तौर पे राजा ने उन्हें क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लुई 16 फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन, उन्होंने रिकॉग्निशन किसे दे दी, नेशनल असेंबली को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब राजा की पावर पे कौन चेक रखेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान राजा की पावर पे चेक रखेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को क्या हुआ, असेंबली ने एक चीज़ पास करी, एक डिक्री, एक अमेंडमेंट या कह लो कि एक लॉ पास करा, और जिसके तहत क्या हो गया, अब कोई भी फ्यूडल सिस्टम नहीं था, यानी कि जो पूरा सिस्टम था टैक्स लेने का, इन सबको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। फ्रांस का फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो 3 एस्टेट थे, नीचे वालों को टैक्स देना पड़ता था, ऊपर को किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो ये फ्यूडल सिस्टम समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो थे, जो भी टिथ, जो कर्ज लगाए गए थे, जो टैक्स लगाए गए थे चर्च के द्वारा, वो खत्म हो गए थे। जो प्रिविलेजेस थे दोनों ऊपर वाले ग्रुप्स के, क्लर्की के भी और नोबल्स के भी, वो खत्म हो गए थे। अब सबको टैक्स देना था, ठीक है। और जब ऐसा हुआ, जब सबको टैक्स देना पड़ा और ये सारे फालतू के टैक्स तो खत्म हो गए, लेकिन वैसे सबको टैक्स देना पड़ा, तो ये सारी चीज़ के बाद गवर्नमेंट के पास कितने का पैसा आ गया, 2 बिलियन लिवरस, तो इनके यूं ही इकट्ठे हो गए। उनके पास कर्जा कितने का था, 3 बिलियन का था, 2 बिलियन पहले से थे, 1 बिलियन वॉर की वजह से उनके ऊपर कर्जा आ गया था। तो जैसे ही ये प्रिविलेजेस खत्म करे, तुरंत 2 बिलियन तो उसके खाते में पहले चले गए। मतलब सरकार ने कितना सारा माल किसे दे रखा था, इन्हें दोनों ऊपर प्रिविलेज लोगों को। अब देखो फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, इस स्ट्रक्चर से हमें सबको समझ में आ जाएगा क्या था, देखते हैं। 1791 में नेशनल असेंबली ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो था पूरा बना दिया, जो भी उन्हें बनाना था 1791 में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो पावर को क्या कर दे, कंस्ट्रेन कर दे, लिमिट कर दे राजा की पावर को, ठीक है। उसने क्या करा, जो पावर थी वो असाइन करे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए, ठीक है, जिनके पास पावर होगी, किसी एक के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं थी। अब देखो जो सिटीजन्स थे वो 2 तरह के सिटीजन थे, एक तो होते थे एक्टिव सिटीजन और एक होते थे पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन यानी कि जो लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते थे, जिनका कोई रोल नहीं था, इनमें कौन कौन से थे, एक तो वो मैन जो कि पर्टिकुलर क्या नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ उन लोगों को टैक्स देने का अधिकार दिया गया जो कि अपनी कमाई का, अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो भी है उसकी, उसका 3 दिन का लगभग क्या देते थे, कर्जा, यानी कि 3 दिन की कमाई अगर वो टैक्स के रूप में दे रहे हैं अपनी, ठीक है, तो वो वोट देने के अधिकारी हैं। अगर वो इतना टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो पैसिव वर्कर्स में कौन कौन आ गए, वो आदमी, ठीक है, लगभग 3 मिलियन मैन और औरतें और बच्चे तो सारे ही, और 25 साल से छोटे सारे लोग, ठीक है, यानी कि एज क्या कर दी फिक्स, वोट देने की एज क्या फिक्स करी उन्होंने, 25, और साथ में क्या फिक्स करा कि आप वोट तभी दे सकते हो जब आप कितना टैक्स दोगे, अपने 3 दिन की कमाई के
कमाई को आप पूरा टैक्स के रूप में देते हो तो आप वोट दे सकते हो, वरना आप वोट नहीं दे सकते। तो इनको हटा के, इनके पैसिव सिटीजन को तो हटा दिया। फिर कौन सा सिटीजन आए? एक्टिव सिटीजन आए। एक्टिव सिटीजन में कौन था? जिनकी एज क्या थी? 25 साल से ऊपर थी, ठीक है। और ये लगभग 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन लोग थे जो वोट दे रहे थे इस टाइम, ठीक है। ये वोट चुन के वोट से क्या करते थे? जुडिशरी जज को डिसाइड करते थे, और अपने वोट से इलेक्टर्स को क्या करते थे? चूज करते थे। इलेक्टर्स लगभग 50,000 मैन को चुना जाता था, और फिर ये इलेक्टर्स एक लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते थे, यानी कि नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 लोग होते थे। ये जो नेशनल असेंबली थी, ये राजा के ऊपर कंट्रोल करती थी, यानी कि राजा क्या काम करेगा, और कंट्रोल रखती थी मिनिस्टर्स के ऊपर कि मंत्री क्या क्या काम करेंगे। लेकिन राजा के पास साथ में वीटो पावर भी थी, यानी कि अगर राजा को कुछ ऐसा डिसीजन लगा कि भाई नेशनल असेंबली को नहीं लेना चाहिए, तो वीटो लगाएगा, उसका तभी के तभी खंडन हो जाएगा। अगर हम आज का देखें हमारे इंडिया में भी, तो क्या होता है हमारे इंडिया में? हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, ठीक है। तो लगभग ऐसा ही है, लेकिन बस क्या अंतर है कि हम लोग में सब 18 ईयर्स से नीचे के, वो 18 ईयर से ऊपर के सभी लोग वोट दे सकते हैं, भले कोई कितना भी कमाता हो, कोई भी जेंडर हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन था भी, जो कि भाई पुरानी बात है, 1791 की बात है। हमारे यहाँ पे भी जो आइडियाज़ आए इन्हीं लोगों से आए। तो ये इलेक्टर्स को चुनते थे, इलेक्टर्स क्या बनाते थे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का कंट्रोल होता था राजा के ऊपर, लेकिन राजा वीटो कर सकता था, यानी कि वीटो का मतलब होता है कोई भी एक डिसीजन लिया गया उसे तुरंत कैंसिल कर देना। जैसे हमारे यहाँ पे इस टाइम क्या प्रेसिडेंट होते हैं ना, एक तरह से क्या होते हैं प्रेसिडेंट? एक तरह के राजा, बट राजा भी नहीं, क्योंकि राजा तो वो था कि चुना नहीं जाता था, राजा फिक्स होता था। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं, लेकिन ये जो वीटो का राइट है ना, ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होते हैं कुछ हद तक, इतना नहीं होता, कुछ हद तक होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती है ये असेंबली। और हाँ, हमारी कंट्री में क्या होता है कि जजेस क्या होते हैं, वो क्वालिफिकेशन से, अपनी पढ़ाई से, अपने एक्सपीरियंस से बनते हैं जजेस। लेकिन इनके यहाँ क्या था कि जजेस को भी वोट दे के चुना जा रहा था, ठीक है। तो हमें पूरा समझ में आ गया कि फ्रांस का इस टाइम क्या सिस्टम बन गया था, इलेक्टोर्स का कैसे वो टैक्स पेयर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इस फोटो में देखो, इस फोटो में जो राइट साइड में है, जो फोटो का राइट है, आपका राइट हैंड साइड नहीं, फोटो का राइट है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स को दिखाया गया है एक लेडी के फॉर्म में। यहाँ पे लॉ को दिखाया गया है कि अब फ्रेंड्स में क्या हो चुका था? लॉ आ चुका था। और इनके पास जो ये बड़ा सा ये तख्ती है, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि मैन के राइट्स का डिक्लेरेशन हो रहा है यहाँ पे, कि अब मैन को भी क्या मिल गए थे? अधिकार मिल गए थे। अब मैन भी क्या नहीं थे? अब मैन को भी सारे अधिकार थे, ऐसा नहीं था कि अब मैन को कोई अधिकार ना हो, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन में मैन के अधिकार को एज अ सिटीजन बनाया गया, कि हर मैन क्या है? एक सिटीजन है, तो फिर उसे अधिकार दिया गया। लेकिन बात देखो, सिर्फ मैन है, सभी लोग नहीं थे, वो मेंस को नहीं मिला था इतना, ठीक है। अब लोगों को क्या मिल गया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि मैन को फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था कि अच्छा बुरा जो उन्हें जैसा लगता है वो वैसे बता सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ थी कि लॉ के सामने सब बराबर है। इसके अलावा नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स, यानी कि नेचुरल राइट है जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। जैसे वो आदमी की तरह जन्मे हैं, तुरंत उन्हें वो अधिकार मिल चुके हैं, यानी कि कोई भी किसी से उसकी डिग्निटी नहीं छीन सकता, बोलने का अधिकार नहीं छीन सकता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अच्छा बुरा कहने का अधिकार नहीं छीन सकता। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। ये जीन पॉल कौन थे? जीन पॉल एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, यानी कि एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, लेकिन रिवोल्यूशन भी चाहते थे। तो इन्होंने लिखा है कि जो टास्क है, कहीं ना कहीं क्या है, जब तक तुम पुअरर को, ऑप्रेसर को ऑप्रेस करते रहोगे, यानी कि जब तक तुम गरीबों को ऑप्रेस करते रहोगे, तब तक ही कर सकते हो जब तक गरीब उसे मान रहे हैं। अगर गरीबों ने उसे मानना छोड़ दिया, तब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर जो वेल्दी मैन है, जब वो पावर में आ जाएंगे, फिर वो वही काम करेंगे, और फिर गरीब क्या करेंगे? फिर से उसे नहीं मानेंगे। तो ये सारा वो चक्कर इनका चलता रहता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके 9th क्लास में बहुत कम आते हैं। आगे चलते हैं। अब राइट का जो डिक्लेरेशन है, वो किस आधार पर किया गया? राइट को इसलिए कहा गया, कहा जाता है कि जो मैन है वो जन्म से ही स्वतंत्र है, और जन्म से ही उसके पास अधिकार है। उसके अलावा पॉलिटिकल एसोसिएशन है, इनकी राजनीतिक अधिकार भी है, कि वो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के साथ रह सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रॉपर्टी उसके पास होगी, सिक्योरिटी होगी, और ऑपरेशन से भी उसे बचाया जाएगा, यानी कोई उसका क्या उस पर दमन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सोवर्निटी है, सोवर्निटी क्या होता है? स्वराज, यानी कि अपना खुद का शासन। तो ऐसे नेशन को कौन बनाता है? नंबर ऑफ लोग बनाते हैं, ठीक है, पीपल के लोग ही बनाते हैं, ठीक है। वो अचानक से कहते हैं कि जो स्वराज है, यानी जो सोवर्निटी की पावर है, वो पूरे राष्ट्र से आती है। कोई अकेला इंडिविजुअल उसे, यानी कि राष्ट्र को खत्म नहीं कर सकता, राष्ट्र का लीडर नहीं हो सकता। लिबर्टी कहाँ से आती है? लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, जब तक वो किसी और को हानि ना पहुंचाता हो। इसके अलावा जो राइट्स हैं, कुछ भी करने का उसे छीना नहीं जाएगा, जब तक कि वो किसी सोसाइटी के बंदे के लिए इंजूरियस ना हो, यानी कि हानिकारक ना हो। इसके अलावा लॉ है एक्सप्रेशन का, यानी कि वो आप कुछ भी, जो कानून है वो किसका है? जनरल विल का एक्सप्रेशन है, यानी कि जो अमूमन लोग चाहते हैं उसका ही कुछ
चिट्ठा क्या है, लॉ है या जनरल विल है, जिसमें कि लोगों का सिटीजन्स का इक्वल मतलब पार्टिसिपेशन है और सिटीजन्स को इक्वल माना जाएगा, ठीक है। किसी भी मतलब इंसान को एक्यूज या अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो लॉ के अकॉर्डिंग कुछ गलत काम नहीं करता है। हर सिटीजन बोल सकता है, प्रिंट कर सकता है, लिख सकता है फ्रीली, ठीक है, उसके पास सारे राइट है। कोई भी पब्लिक फोर्स के मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है, और जो सिटीजन्स हैं वो अपना प्रॉपर एक रूल के तहत टैक्स वगैरह देंगे। ये सारी चीज़ें तैयार की गई। इसके अलावा क्या था कि कोई भी उनका अधिकार नहीं छीनेगा, इनवॉयलेबल राइट्स होंगे, यानी कि उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता, और उन्हें कंपनसेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को कंपनसेशन मिलेगा, सबको जो इक्वालिटी है वही रखी जाएगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिंबल थे उन्हें मानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या चीज़ क्या क्या दिखाती है। ऑब्वियसली ब्रोकन फ्रीडम क्या, ब्रोकन चैन क्या दिखाएगी कि अब लोग चैन में बंधे हुए नहीं है, क्योंकि स्लेव को बांधने के लिए इस चैन का यूज़ होता था, दासों को बांधने के लिए अब कोई भी दास नहीं था, यानी कि अब क्या है कि अब ये चेन टूट चुकी है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो बंडल है किसका, बंडल ऑफ रोड्स, ये दिखाता है कि अगर तुम यूनिटी से रहोगे, एंटायर बंडल को कोई नहीं तोड़ सकता, एक अकेले स्टिक को लोग तोड़ सकते हैं, तो यूनिटी का सिंबल है। इसमें जो आई है उसमें एनलाइटमेंट हो रहा है, चारों तरफ रोशनी है, ये दिखाती है कि किस तरह से जब नॉलेज की लाइट जलती है जो सारा अंधकार है इग्नोरेंस का वो गायब हो जाता है, तो नॉलेज की लाइट जलना ज़रूरी है। ये जो स्क्रिप्चर है ये क्या दिखाता है, ये सिंबल है किसका, रॉयल पावर का, क्योंकि अभी भी राजा का शासन तो था ही, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लीड हो रहा था, यानी कि मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन थी वहाँ की, तो ये राजा की पावर यानी कि रॉयल्टी का बहुत ही ज़्यादा एक भव्य ताकत का ये वो सिंबल है। ये जो स्नेक है जिसने अपनी पूंछ को दबा रखा है, वो कहता है कि कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, इटर्निटी है सिंबल की, यानी कि ये लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगी, जैसे ये इसने पूरी रिंग बना दी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो रेड कैप वाला है, रेड कैप पहले स्लेव पहनते थे, सिर्फ स्लेव तब पहनने लगे ये रेड कैप जब वो फ्री हो गए, यानी कि ये किसकी पहचान है, दासों के फ्री होने की, फ्रीडम की, लिबर्टी की ये पहचान हो गई थी, ये वाली कैप रेड फ्रिगन कैप। इसके अलावा ये क्या है, ये नेशनल कलर्स हैं जो ब्लू वाइट रेड है, किसके, फ्रांस के हैं नेशनल कलर्स, और ये फ्रांस को ही एज अ नेशन दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो वुमन है विंग्स के साथ, ये कौन है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है लॉ का, यानी कि कानून को एक पर्सन की तरह बनाया गया है, ठीक है, कि पर्सन ये है कि एज अ पर्सन कानून ये है जो कि लोगों को स्वतंत्रता दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है आगे बढ़ने की। इस द लॉ टैबलेट में क्या है, ये दिखाया गया है, इसका पहचान ये है कि सभी लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब जो ऊपर आपकी फोटो थी, ये सारे सिंबल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं इस फोटो में, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको देखने को मिलेगा। ऊपर लाइट है, इसके हाथ में वो स्टिक है, ठीक है, रॉयल्टी की टूटी हुई चेन है, ये सांप है, ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, ये सांप वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, वो चेन है, यहाँ पे वो यूनिटी वाला सिंबल है, ये क्या है, लॉ का है, ये फ्रांस का है सिंबल, और यहाँ पे इनके हाथ में टूटी हुई चैन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वो रेड कैप है, यहाँ पे वो यूनिटी का सिंबल है, और ये वाला जो बोर्ड है टैबलेट क्या दिखाता है, इक्वालिटी को, ठीक है। रेड कैप भी आपने देख लिया, यानी कि इस वाले फोटो में क्या दिखाया गया है, ओवरऑल सिंबल्स दिखाए गए हैं, और उस सिंबल्स क्या क्या है वो आपने नीचे पैराग्राफ में देख लिए। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मोनार्की से रिपब्लिक आया, यानी कि पूरी राजशाही खत्म हो गई, अभी तो राजशाही है ना, राजशाही के साथ इनका संविधान है। अब आप बाद में पढ़ोगे कि कैसे ये पूरा राजशाही खत्म हो गई, सिर्फ संविधान रह गया, ठीक है, पूरा रिपब्लिक आ गया, लोग चुनने लगे, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, वुमेंस का क्या रोल था, आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, टिल देन बाय बाय।